हेलो फ्रेंड्स, क्या होते हैं आयंस, आयंस कैसे बनते हैं और कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होती है, यानी कंपाउंड क्या होती है, आयनिक कंपाउंड्स, चलो ठीक है आता भी है, तो आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें लर्न करना ज़रूरी है। और अगर आप 10th का NCERT एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अमन जाट, आप देख रहे हैं नोट इट डाउन। तो शुरू करते हैं। अब देखो भैया, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट आपने नाम सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, लोहा, लंगर, ETC वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में आपको एक और चीज़ पता होगी कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस चार्ज होता है, जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है, जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, और न्यूट्रॉन बेचारा गरीब आदमी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन के ऊपर वो जीरो होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। एक और ख़ास बात कि जो मूव होता है ना सरफेस पर, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। प्रोटॉन उसके सेंटर में स्थायी रूप से है और इलेक्ट्रॉन ही है जो बाहर की शेल्स में होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड भी सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ओके, तो हर एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इसी को हम इसका एटमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पर सोडियम को देखें तो सोडियम का एटमिक नंबर होता है 11, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 है इसके पास प्रोटॉन्स है, और बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होने के कारण इसका जो नेट चार्ज होगा, प्लस भी 11 है माइनस भी 11, तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो हम इसको सिंपली Na से शो कर सकते हैं या फिर Na0 से भी शो कर सकते हैं। अब जो क्लास का यानी कि ऑक्टेट का यानी कि कक्षा का जो नियम होता है, रूल होता है, वो ऐसा होता है कि सबसे पहली शेल में मिनिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड सेल में मिनिमम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और थर्ड शेल में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। तो अगर हम सोडियम को देखें तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल हो गए 10, और सबसे आउटर जो शेल इसकी होगी उसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब मिनिमम इसको अपना ऑक्टेट करने कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8, और इसके पास है 1। तो इसके पास दो रास्ते होते हैं इस कंडीशन में, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसकी आउटर क्लास कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये एक और रास्ता चुन सकता है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अगर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तब भी तो इसकी ओवरऑल आउटर क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये फिर भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, और अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। आप इसे सिंपली यूनिटी में भी समझ सकते हैं कि देखो भाई, किसी के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 8 और 7 की ज़रूरत है, तो कौन देगा उसको, कौन अपने 7 इलेक्ट्रॉन देके किसी की क्लास कंप्लीट करेगा। सिंपल है ना, कि 4 से कम तो दे देगा और 4 से ज़्यादा है तो ले लेगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया किसी को, या अपने से अलग कर दिया, अपने से निकाल दिया, तो सोडियम के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10, और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो 11 है इसके ऊपर प्लस चार्ज और 10 है इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना है, सोचिए एक सेकंड का समय लेकर जल्दी से। 1 प्लस चार्ज, वेरी गुड। तो 1 प्लस चार्ज होने के कारण हम इसे इस तरह से लिखेंगे Na+। अगर मान लो 2 प्लस चार्ज होते तो हम Na2+ लिखते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही है तो हम Na+ लिखेंगे, और इस तरह से ये बन जाता है एक आयन।
और इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज बनता है या पॉजिटिव आयन बनता है उसे हम केटायन कहते हैं। याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखना कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तब केटायन ही होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पहली शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में कितने होंगे 7। अब इसको कितने की ज़रूरत है, इसको एक की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसके पास फिलहाल इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन भी है 17। अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18, प्रोटॉन 17, यानी माइनस चार्ज 18 है प्लस चार्ज 17 है, तो इसके पास ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा, -1 का। तो हम क्लोरीन को इस तरह से लिखेंगे Cl-, ओके। तो इस तरह से ये भी एक आयन बन गया। और इस तरह का जो नेगेटिव आयन होता है ना मेरे भाई, उससे हम एनायन कहते हैं। याद रखना, नेगेटिव चार्ज यानी एनायन, पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन, ओके। अब ज़रा ध्यान से सुनना, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, नीड थी, तो क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, यानी कम्प्लीटली अपना उठा के इसको दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, ओके। एक इलेक्ट्रॉन था उसको उठा के इसको दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ। इसको कंप्लीट ट्रांसफ़र कहना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ट्रांसफ़र के, ओके। कंप्लीट ट्रांसफ़र करके सोडियम ने क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, एक रिश्ता बनाया, जिससे कि दोनों अब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ओके। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, इस तरह की जो हम कहते हैं कंपाउंड बनता है, जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, जिसे आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, और आयनिक कंपाउंड ये कहलाता है जो यहाँ से बनता है, जो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ओके। तो अगर हम छोटा सा रिकैप करके देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज आ जाने से यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने से वो कैटायन बन जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को लेने वाला एनायन बन जाता है। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ओके। तो अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे वीडियो में क्या अच्छा है क्या नहीं है, ओके। तो अगर अच्छा है तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल डिसलाइक करो, समझ में आना चाहिए, ओके। और अगर आप तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप जोड़ सकते हैं, अगर देखो मैं आपको फॉलो बैक कर लूँगा, लेकिन मेरे पास आपकी आईडी नहीं है, तो पहले आप एक बार फॉलो कर दो, मैं ओके। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।